नमस्कार, आप देख रहे हैं खावड़ मीडिया। जिया दोस्तों, आखिरकार रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने बड़े बड़े लोगों का नाम भी खोल दिया है। आखिर वो कौन लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले के पीछे पड़ा हुआ था? आखिर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में करण जौहर का बहुत ही बड़ा हाथ था, जिसको लेकर सीबीआई की टीम ने जैसे ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए दूसरे दिन बुलाया गया, उसी समय रिया चक्रवर्ती ने करण जौहर का भी नाम ले लिया। आखिर क्या हुआ करण जौहर और सुशांत सिंह राजपूत के बीच, ये सारा का सारा खुलासा जो कि रिया चक्रवर्ती कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आखिर इनके पीछे क्या बड़ी वजह थी जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के बीच हुआ था। तो मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ कि क्या हुआ था और किस लिए सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा जो कि करण जौहर के साथ चल रहा था। दरअसल बात यह है कि जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, तब रिया चक्रवर्ती ने करण जौहर का नाम लेते हुए कहा कि जब फिल्म ड्राइव का जो स्क्रिप्ट आया था उसमें सबसे पहला हीरो जो कि सुशांत सिंह राजपूत ही था, लेकिन बताया जा रहा है कि करण जौहर ने उस फिल्म में वरुण धवन को लेना चाहता था। आखिर कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर, इसी विवाद को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के बीच कुछ झड़प हो गई थी। आखिर कहीं ना कहीं करण जौहर जो कि उस फिल्म से यानी कि ड्राइव फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को हटाना चाहता था, उसे बायकट करना चाहता था और उसकी फिल्म में जो कि वरुण धवन को लेना चाहता था, जिसको लेकर ये बात छिड़ गई कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही वो फिल्म बना था। आखिर कहीं ना कहीं उस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने काफ़ी मेहनत भी की थी, काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन बताया जा रहा है इतना मेहनत करने के बाद जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आके ये कह दे कि आपके लिए ये फिल्म नहीं बना, तो कहीं ना कहीं हीरो को तो गुस्सा आएगा ही। वही हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उन्हें फिल्म ड्राइव से जो कि बायकट कर रहे थे जो कि करण जौहर। अब बात यही नहीं अटकती है दोस्तों, अब रिया चक्रवर्ती से जो सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब उन सभी लोगों का नाम धीरे धीरे बक रही है। जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती को थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे जैसे उनसे पूछताछ की जा रही है, आखिर कहीं ना कहीं अब सभी लोगों का नाम धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सिर्फ करण जौहर ही नहीं है, इसके पीछे सलमान खान का भी बड़ा हाथ है। हो सकता है तो इनके पीछे जो कि आलिया भट्ट, महेश भट्ट, इन लोगों का भी बड़ा हाथ है, जो कि कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा था कि महेश भट्ट से 6-6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद भी कोई भी बड़ा सबूत नहीं मिला। आखिर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले से अब महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, ये लोग भी जुड़ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती को अब पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रही है, यानी कि सीबीआई की टीम अब रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दे रही है, जिससे ये होगा कि रिया चक्रवर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई आफत ना आ जाए। अब सारा का सारा भंडा फूट जाएगा, हर वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जुड़ा हुआ है, अब सबका पर्दाफाश हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर रिया चक्रवर्ती और किन किन लोगों का नाम सामने लाती है। जैसे इसके बारे में कुछ नया अपडेट सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।